स्कूल रीओपन फर्स्ट डे, कहीं स्टाफ नदारद तो कहीं क्लासरूम में बच्चों के बैठने के बाद चल रही थी साफ सफाई। पहले ही दिन उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना भी भूले स्कूल, लेकिन बच्चों के चेहरे पर थी मुस्कान और उत्साह। आइए अब खबर जानते हैं विस्तार से। तकरीबन 5 माह बाद के बाद बुधवार को स्कूल की रौनक आखिरकार लौट आई। स्कूल खुले, स्टूडेंट भी स्कूल पहुंचे, लेकिन राजधानी के कई स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल के नियम पहले ही दिन हवा हो गए। कहीं स्टाफ नदारद था तो कहीं सामाजिक दूरियों के नियमों का कोई अता पता ही नहीं था। एक स्कूल ने तो 9 से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाना तक जरूरी नहीं समझा और उनकी पहले ही दिन छुट्टी दे दी। इतना ही नहीं, यहाँ विद्यार्थी के आने के बाद तक भी साफ सफाई चल रही थी। देखिए एक रिपोर्ट। सामाजिक दूरी की पालना नहीं, क्लास में बच्चे, चल रही थी सफाई। सबसे पहले बात करते हैं शहीद अमित कुमार यादव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालपुरा देवरी की। अव्यवस्था का आलम यह था कि क्लासरूम में बच्चे बैठे, नियमों के मुताबिक यदि एक सीट पर 3 विद्यार्थियों को बिठाया जाता है तो उस पर सामाजिक दूरी के नियम की पालना करते हुए 2 को बिठाया जाना था, लेकिन यहां स्थिति जस की तस थी। ना टीचर को न ही विद्यार्थियों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करना जरूरी समझा। पत्रिका की संवाददाता को वहां देखकर टीचर ने आनन फानन में बच्चों को एक दूसरे से दूर बैठने के लिए बोलना शुरू कर दिया। सुबह 8:30 बजे तक जिस क्लासरूम में बच्चे बैठे थे उसकी साफ सफाई चल रही थी। अपने स्तर पर की थी बच्चों की छुट्टी। इतना ही नहीं, स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी। वजह थी गुरुवार से शुरू होने वाली DLED सेकेंड ईयर की परीक्षा। स्कूल में परीक्षा केंद्र है इसलिए बच्चों की छुट्टी करनी पड़ेगी, यह सोचकर पहले दिन उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा गया।